तो हुआ हुआ, उसके बाद जो उनके पेरेंट्स हैं उनके पास और कोई नहीं है, सिद्धू वॉज दी ओनली चाइल्ड। और उनके फादर, जिस तरह फ्यूनरल मैंने वीडियोस देखे उनके, जिस तरह उनके फादर ने अपनी पगड़ी उतार के सबको सलाम किया और जिस तरह उन्होंने यू नो एक प्राउड फादर की तरह चीज़ें करी, उससे मेरा दिल इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। और एक गैंगस्टर राज ख़त्म करना पड़ेगा, पता नहीं कौन सी सदी में जी रहे हैं हम आज भी। आई थिंक इस सेंचुरी में ये सब देख के ना बहुत ही बुरा लग रहा है, ये एक्सपेक्टेड नहीं थी चीज़ की ऐसा भी हो सकता है, वो भी आज 21st सेंचुरी में। आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि ऐसा हो सकता है पब्लिकली, वो भी एक इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ। तो फिर आप सोचो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग के साथ तो क्या क्या हो रहा होगा जो हमें पता भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा सैडनिंग बात पता क्या थी, जो लोग फोटोज और वीडियोज बना रहे हैं, दैट वॉज सो सैडनिंग। एक तो डेड बॉडी के साथ कर रहे हैं और उसके बाद क्रिमेशन पे भी वो ऐसे लग रहा था कि वो क्रिमेशन देखने नहीं आया है, वो वीडियोज बना रहे हैं, फोटोज बना रहे हैं। वो बहुत ही बहुत गलत है, सोशल मीडिया के अलावा भी लाइफ है। तो मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि अगर किसी को हेल्प चाहिए तो पहले आप हेल्प करो, ये मत देखो कि मैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ और मेरे कितने लाइक्स आ जाएंगे, व्यूज़ आ जाएंगे या मैं वायरल कर दूँगा। आप सब मीडिया नहीं हो और ये सब छोड़ दो, मीडिया का काम मीडिया को करने दो। क्या पता टाइम पे अगर वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है, क्या पता ये नहीं हो। 24 गोलियां लगी हुई हैं, एक आदमी को गाड़ी में लेटा हुआ है, लोग वीडियोस बना रहे हैं, कोई उसके मुंह पकड़ के वीडियो बना रहे, कोई उसके टैटूज के साथ वीडियो बना रहे, एक भी बंदा गाड़ी रोक के उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा। सो सैड यार, मतलब इंसानियत मर गई है।